अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फ्लैट कॉलर बनाना सिखाऊंगा। अब ये देखें, ये हमारी जो डिज़ाइनिंग हो रही है यहाँ पे, तो हम गला हम अपना इसी हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा सेंटर है, यहाँ से हमारा 3 इंच पे निशान लगा हुआ है, ठीक है। और इस साइड पे भी इसी तरह हमारा 3 इंच पे निशान लगा हुआ है। इस निशान से यहाँ तक हम इसे 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, जैसे कि हमारी नोक आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे सिलाई लगाएंगे, इस तरह हम इसे सिलाई लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए सेंटर हमारा ये थोड़ा सा इस साइड पे मेरा निशान जा रहा है, तो इस साइड पे भी इसी तरह हम निशान लगा लेंगे। ये जो दोनों निशान आ रहे हैं, हमारा सेंटर इसका बीच में है, ठीक है। और यहाँ से इस तरह हम इसे, ये जो हमारी छपाई आ रही है, इसी के साथ हम इसे सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा दी इस पे, ये देखें, ठीक है। अब ये देखें, ये जो हमारी पट्टी है, ये 2.25 इंच चौड़ी पट्टी है हमारी, तो हमारी बुकरम भी इतनी चौड़ी होगी। ये हमारी बुकरम है, ये 2.25 इंच चौड़ी बुकरम है हमारी, ठीक है। और 8 इंच इसकी लंबाई है, इसे हम कपड़े पे चिपका लेंगे। इस तरह हम इसे चिपका लेंगे। मैंने पट्टी चिपका ली, ठीक है। और इसकी मैंने कटिंग कर दी, इस साइड से मैंने बुकरम की बराबर कटिंग कर दी, बाकी 3 साइड से मैंने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दिया। अब इसे हम इस तरह मोड़ लेंगे कपड़े को, और यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे तीनों साइड पे। मैंने सिलाई लगा दी, अब हम इसे इस तरह डबल कर लेंगे, यहाँ पे इस तरह निशान डाल लेंगे, ठीक है। ये निशान आ गया हमारा। अब इसे हम फ्रंट पे लगाएंगे। सिलाई हमारी यहाँ तक आ रही है, तो इस पट्टी को हम इसे 1/2 इंच नीचे रखेंगे इस सिलाई से, ठीक है। इस तरह यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे, और इसे हम इस तरह उल्टा कर लेंगे, ठीक है। और ये जो हमने सिलाई लगाई भी है, बिल्कुल इसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। ये सिलाई हमने इसलिए लगाई थी ताकि यहाँ से हमें पता चले कि हमारी डिज़ाइनिंग किस तरह से आ रही है, ठीक है। इसी तरह हम सिलाई पे बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा दी, सिलाई के ऊपर बिल्कुल मैंने सिलाई लगाई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम इसे कट लगा लेंगे। नोकों पे हमें कट लगाना लाजमी होता है। तो हम इसे सीधा कर लेंगे। किसी भी बारीक चीज से इसकी नोक निकाल लेंगे। ये देखिए नोक निकल आई हमारी। दूसरी साइड की भी नोक हम इसी तरह निकाल के इसे प्रेस कर लेंगे। ये मैंने प्रेस कर लिया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह का गला बनाएं, आप सिंपल सा वी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका फ्लैट कॉलर काटेंगे ऊपर का। ये हमारे बुकरम में हम इसे इस तरह डबल कर लेंगे। अब हम इसे निशान लगा लेंगे, यहां से हम इसे 3 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। और यहां से 3.5 इंच पे, और यहां से 3 इंच पे ये निशान हम सीधे कर लेंगे। एक निशान हम यहाँ से
3.5 इंच पे लगा देंगे, ठीक है। इसे भी हम सीधा कर लेंगे, ये 3 इंच है, यहाँ से भी हम 3 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम सीधा कर लेंगे इसे। अब हम इसे निशान लगा लेंगे यहाँ पे इस तरह, अब यहाँ पे हम इसे निशान लगा लेंगे, यहाँ पे हम इसे 1/4 इंच पे निशान लगा लेंगे, ठीक है, इस निशान से 1/4 इंच पे। ये इस तरह हम इसे गोलाई कर लेंगे, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो हमारा बीच में हल्का सा गैप आ रहा है इसका यहाँ पे, इसी हिसाब से हम इसके यहाँ पे भी कटिंग कर लेंगे थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पे हम इसे कट लगा लेंगे इस जगह पे, हम हटा लेंगे और इसे हम डबल कर लेंगे फ्रंट को। और ये जो हमारे कॉलर का पैटर्न है इसे हम इस तरह रख लेंगे, ठीक है, इस कंधी से इस निशान को 1/2 इंच नीचे रखेंगे, ये हमारी कंधी बंद होगी तो ये 1/2 इंच दबाव में आ जाएगा इसे, ठीक है। इस तरह हम इसे रख लेंगे और यहाँ पे हम इसे निशान लगा लेंगे, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे कॉलर का पैटर्न है, ठीक है, ये जो हमने काटा ये हमने स्मॉल साइज काटा है, ये देखिए यहां से इस तरह हमने इसे 3 इंच पे रखा था। स्मॉल और मीडियम में हमारा इसी तरह पूरा सेम यही गला कटेगा, ठीक है, और लार्ज अगर आप काटेंगे तो इससे 2 सूत ज़्यादा काटेंगे, यहाँ से जैसे मैंने 3 इंच पे रखा है तो आप 2 सूत बढ़ा देंगे इसका, ठीक है, और यहाँ से भी इस तरह ये 3.5 है तो 2 सूत आप यहाँ से भी बढ़ा देंगे, ठीक है, और अगर एक्सेल लार्ज बढ़ाएंगी तो लार्ज से भी 2 सूत आप ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है। एक्सेल लार्ज और डबल एक्सेल में एक ही साइज चलता है, ठीक है, तो इसी तरह हम 2-2 सूत बढ़ा देते हैं, लार्ज में मीडियम से 2 सूत बढ़ जाता है और एक्सेल लार्ज में लार्ज से 2 सूत बढ़ जाता है, ठीक है, यहाँ इस तरह भी और यहाँ से इस तरह भी, और यहाँ नीचे का जो मैंने निशान लगाया ये भी मैंने 3.5 इंच पे लगाया, इसमें भी इसी तरह हम 2-2 सूत बढ़ा देंगे। अब हम कंधी जोड़ लेंगे इसकी, ये हमारी बैक है, हम फ्रंट को इसके ऊपर सेट कर लेंगे इस तरह, यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे, यहाँ सिलाई लगाने के बाद हम कॉलर चिपका लेंगे। इस तरह हम कॉलर चिपका लेंगे, ये मैंने शोल्डर जोड़ लिया, ठीक है, शोल्डर जोड़ने के बाद मैंने इसके कॉलर भी चिपका लिया। अब हम इसे इस तरह डबल कर लेंगे, और यहाँ से हम इसे निशान लगाएंगे 1/2 इंच पे, हम इसे निशान लगाएंगे, ये देखिए यहाँ तक हमारे कंधी आ रही है,
ठीक है, ये यहाँ तक। अब हम इसे इस तरह शेप दे देंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम कट लगा लेंगे, इसे हटा लेंगे, ठीक है। इसकी भी हम यहाँ से कटिंग करेंगे, तो हम इसे यहाँ से इस तरह मोड़ लेंगे, तो प्रेस कर लेंगे हम इसे। ये मैंने यहाँ से इसे मोड़ के प्रेस कर लिया, ठीक है। तो हम इसके नीचे दूसरा कपड़ा रखेंगे और इसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम इसे सिलाई लगाएंगे, ये मैंने सिलाई लगा दी यहाँ पे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और इस साइड पे भी हम कटिंग कर लेंगे, एक बूट का गैप छोड़ के, ठीक है। और यहाँ पे हम सारे कट लगा लेंगे। मैंने कट लगा दिए सारे, अब हम इसे सीधा कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह सीधा करके प्रेस कर लेंगे। प्रेस कर लिया, इसे हम इस तरह डबल कर लेंगे। यहाँ पे हम कट लगा लेंगे इसका, तो इसे हम शर्ट पे लगा लेंगे। तो हम इसे लगा लेंगे, ये हमारी उल्टी साइड है और यहाँ से भी हमारी उल्टी साइड है। दोनों उल्टी साइड को हम आपस में मिला लेंगे इस तरह, ठीक है। यहाँ से इस तरह रख लेंगे और यहाँ पे हम इसे सिलाई लगाते हुए इस तरह हम ये कट से कट मिला लेंगे, ठीक है, बैक का भी और कॉलर का भी। इस तरह हम यहाँ पे लाके पक्का कर देंगे। ये मैंने सिलाई लगा दी यहाँ पे। अब हम इसे दूसरी सिलाई लगाएंगे, यहाँ से हम इसका दबाव अंदर कर देंगे, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पे हम इसे लपकी सिलाई लगा लेंगे। पूरे कॉलर में इसी तरह हम लपकी सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा दी यहाँ पे लपकी। ये हमारा फ्लैट कॉलर तैयार हो गया।